today we are here to study our second chapter of SST. The name of our second chapter is Our Earth. C class, the chapter name is Our Earth. You can see the picture over here of Earth. This is Earth. In last chapter also, you have studied about different planets. In that planet, the Earth was one of the planet. Now, when we start the chapter, first we will read these points to remember. Fine. In these points only, I will cover your chapter. Now, the first point is Earth. What is Earth? Now, I have shown you the picture of Earth. And as in previous chapter also, you have studied about the Earth. Earth is the planet. Fine. Now, start with it. The Earth is a living planet. The presence of water, air and land on Earth and the heat and light received from the sun makes life possible on it. The Earth is a living planet means जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे ह्यूमन बींग्स की लाइफ पॉसिबल है. नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे पॉसिबल है, व्हाई ओनली द अर्थ इज़ द प्लैनेट कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. प्लैनेट्स तो 8 होते हैं, बाकी के 7 प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है. सी द आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर एयर एंड लैंड ऑन द अर्थ कि यहाँ पे जो वाटर है, एयर है और यहाँ की जो लैंड है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द हीट एंड लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. जो हीट एंड लाइट हम लोगों को सन से मिलती है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है. नाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. ये जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं. Now we will study what are these continents. Now our next point is continents. A large landmass on the surface of the earth are called continents. ये जो हमारे अर्थ पे बड़ा सा landmass है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is our continents. हमारे अर्थ में 7 continents है. There are 7 continents. Africa, Antarctica, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नाउ दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड बेटा एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इन सब कॉन्टिनेंट्स में जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. नाउ एनी वन विल आस्क यू द क्वेश्चन दैट नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन यू विल गिव द आंसर इट इज़ एशिया. एंड इफ समवन विल आस्क यू दैट नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, देन यू विल गिव द आंसर ऑस्ट्रेलिया. नाउ आई विल नॉट शो यू द पिक्चर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स नाउ. व्हेन आई विल मेक यू एक्सप्लेन यू द टॉपिक मैप, देन आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बोथ. Fine. Now come to the next topic. It is oceans. A large and deep water body on the surface of the earth are known as oceans. जो हमारी earth पे large and deep water bodies हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, they are known as ocean. जो landmass है they are continents and जो water used water bodies हैं they are oceans. There are 5 oceans on earth. They are Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and Southern Ocean. Arctic Ocean is the smallest ocean. Arctic Ocean जो है वो सबसे छोटा ocean है and Pacific Ocean is the largest ocean. Now next topic. Now our next point is sea. What is a sea? Sea क्या होती है? A large water body but not as big as an ocean is known as a sea. जो हमारे अर्थ पे लार्ज वाटर बॉडी होती है उसमें वाटर बहुत होता है बट ये ओशन से छोटी होती है, ओशन से कम वाटर होता है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सी. ये बड़ी तो बहुत होती है बेटा बट ओशन इससे ज़्यादा बड़ा होता है, ये ओशन से स्मॉल होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसफेयर. द अर्थ हैज़ एन इनविजिबल लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग इट. जो अर्थ है हमारा उसमें एक इनविजिबल एयर की लेयर है, मींस एक ऐसी लेयर इस अर्थ को कवर करती है जो हमें दिखाई नहीं देती. इसमें क्या क्या होता है,
It consists of gases, dust and tiny drops of water. ये एयर की लेयर जो है वो किससे बनी है? गैसेस से, डस्ट से एंड टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर से. और ठीक है, इसीलिए हम इस लेयर को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस लेयर एज एटमॉस्फेयर. दिस लेयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू ब्रीथ. ये लेयर हमें ब्रीथ करने में बहुत हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेप ऑफ द अर्थ. Now, as you have seen the picture, आपने क्या नोटिस किया अर्थ में? अर्थ कैसा है? Fine, I am showing you the picture again. Now you will tell me that what is the shape of earth. See, क्या देख रहे हो आप? What is the shape of earth? It is round in shape. But जो पहले के लोग थे वो क्या सोचते थे? Now we will study this. During ancient times, some people thought that the earth was flat. कुछ लोग ये समझते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है. एंड सम थॉट इट इज स्क्वायर. और कुछ जो लोग थे वो ये सोचते थे कि ये स्क्वायर है. बट किसी ने भी कभी भी ये नहीं सोचा था दैट द अर्थ इज राउंड. कभी भी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो अर्थ है वो अर्थ की शेप है राउंड. इन फैक्ट मैनी पीपल वर अफ्रेड दैट इफ दे ट्रेवल टू फार इन वन डायरेक्शन दे वुड फॉल फ्रॉम द एज ऑफ अर्थ. और कई लोगों को तो डर भी लगता था कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में अर्थ में ट्रेवल करते जाएंगे तो कहीं वो अर्थ से नीचे ना गिर जाएं. बट फिर क्या हुआ? सम पीपल्स स्टार्टेड ट्रेवलिंग. अब कुछ लोगों ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था. वो अलग अलग सीज के पास जाते थे और तब वहाँ पर सर्च करते थे न्यू लैंड्स. और जब वो न्यू लैंड सर्च कर रहे थे तब उनको ये भी पता चला दैट द अर्थ वॉज राउंड नॉट फ्लैट. तब उन्होंने ये कहा कि नाउ द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट. बट बेटा जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है. इट इज़ नॉट राउंड या इट इज़ लाइक अ शेप ऑफ ऑरेंज. जैसे ऑरेंज ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है ना, लाइक दिस ओनली द अर्थ शेप्स लाइक एन ऑरेंज. You have seen the picture of Earth earlier only. Now we will come to next topic. Our next topic is globe. What is globe? A globe is a model or a true representation of Earth. जो globe है वो Earth की एक representation है. Means Earth का छोटा model है. It looks like only the Earth. अब जैसे Earth भी round है वैसे ही globe भी shape में क्या होता है? It is also round in shape. It shows all the major features of the earth. जैसे कि ये छोटा है बट ये अर्थ के वो सारे फीचर्स शो करता है जो अर्थ में होते हैं. फीचर्स मीन्स ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज. एक छोटा सा ग्लोब पूरी कंट्रीज, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स दिखाता है. नाउ वी विल सी द पिक्चर ऑफ द ग्लोब. दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब. Now we will see the picture of globe. A globe looks like this. This is the picture of globe. Now our next topic is map. What is a map? A map is a drawing of the earth or parts of the earth made on the flat surface. ये map जो होता है ये drawing होती है earth की, जो कि drawing एक flat surface पे बनी होती है. ये मैप अक्सर हम लोग पेपर पे बना हुआ देखते हैं. पेपर पे जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ नोन एज अ मैप. अ मैप शोज अप ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ. मैप का भी वही सेम वर्क है जो ग्लोब का है. वही सेम फीचर्स वो भी दिखाता है लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशंस. बट इसमें ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है? जो मैप होता है वो ज़्यादा डिटेल देता है हम लोगों को. जो ग्लोब होता है उसके पास डिटेल कम होती है. एंड मतलब अगर हम लोग ये कहें विच इज़ सुटेबल, सो वी कैन से द मैप इज़ सुटेबल दैन द ग्लोब. नाउ वी विल सी द पिक्चर ऑफ मैप. नाउ सी दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड. इसमें पूरा की पूरा वर्ल्ड आपको दिखेगा. नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक मैप आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. You can see these colorful part. These are your continents. Green, purple, orange,
एंड दीज ऑल आर कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दीज ऑल आर द कॉन्टिनेंट्स. एंड दिस वन ब्लू पार्ट इज योर ओशन पार्ट, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, दीज ऑल आर द ओशंस. सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फाइव ओशंस. अच्छा, इट इज़ इन द कलर ऑफ ब्लू. ओशंस आर टोल्ड बाय द कलर ब्लू. वाई? बिकॉज द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू. सो वेर एवर द ओशंस वुड बी, यू विल शो इट विद द कलर ब्लू इन द मैप. नाउ एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शंस. डायरेक्शंस, वॉट आर डायरेक्शंस? वी यूज डायरेक्शंस टू फाइंड प्लेसेस ऑन मैप एंड इन द रियल वर्ल्ड. सी, देखो बेटा, जब भी हमें डायरेक्शंस फाइंड करनी होती है डिफरेंट प्लेसेस की, तो हम लोग कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. फाइन डायरेक्शंस, चाहे वो हम लोग अपनी रियल वर्ल्ड में करें चाहे फिर मैप में करें, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस. देयर आर फोर डायरेक्शंस. देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस. कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दीज डायरेक्शंस. सी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. सन कहाँ से राइज होता है? इट इज़ फ्रॉम ईस्ट. एंड कहाँ सेट ऑफ होता है? इट इज़ वेस्ट. बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस. नाउ क्लास सी, एज वी हैव सीन द डायरेक्शंस, नाउ सी द गर्ल इज स्टैंडिंग एंड अब इसको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाए. इसको नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है. नाउ शी इज़ फेसिंग टू सन, मीन्स सन है, मीन्स ईस्ट, देन वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन एज दिस गर्ल हैज़ फाइंड इट. नाउ बेटा, वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक. आर लास्ट टॉपिक इज कंपस. वॉट इज दिस कंपस? कंपस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड आउट दी. नाउ जब भी कभी बड़े बड़े लोग सर्च पे जाते हैं तो उनको डायरेक्शंस जब नहीं पता होती, सो दे टेक कंपस विद देम टू सर्च द डायरेक्शंस. यू कैन सी वन मोर पिक्चर ऑफ द कंपस. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कंपस. दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू टू सर्च द डायरेक्शंस. नाउ क्लास, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.